हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसको हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या बोलता है डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस? नॉर्मली जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं टेक्स्ट को, तो हमें 10% उसका याद रहता है। और जब भी हम चीज़ों को सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं या फिर कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपको उसका 20% याद रहेगा। और जब आप चीज़ें देखते हैं, लाइक आप पिक्चर्स को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, चाहे वो अकेली पिक्चर्स है, चाहे वो पिक्चर्स मूव कर रही है, लाइक एक वीडियो की फॉर्म में बना दिया गया है, तो उसका आपको 30% तक याद रहता है जब हम चीज़ों को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। और जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई चीज़ करके दिखाई जा रही है, डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है, जिसके अंदर चीज़ें बोली भी जा रही हैं, चीज़ें उसके अंदर दिखाई भी जा रही है, वीडियो भी है, आप चीज़ें सुन भी रहे हो, वीडियो ऑडियो दोनों है ना। सो इन दैट केस आप जब सुनते हो प्लस देखते हो, दोनों सेंसेस इन्वॉल्व हो गए, तो आपको 50% याद रहता है। और जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो खुद से, लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचर है, टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, देन किसी भी स्टूडेंट को उठा के बोला कि आप ये सेम टॉपिक पढ़ाओ सारे बच्चों को, है ना। तो अब ये वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, खुद से एक्सप्लेन कर रहा है, एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है ना, टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो जब एक बच्चा या कोई भी इंसान जो सीख रहा है, जब वो खुद चीज़ें बोलता है, एक्सप्लेन करता है और साथ साथ कुछ ना कुछ लिख रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल नोट्स बना रहा है, सो इन दैट केस बच्चे को क्या रहता है, 70% रिटेन रहता है, याद रहता है, उसकी मेमोरी में फिट रहता है। और एट लास्ट आता है जब हम चीज़ें करके देखते हैं, यानी कि एक्चुअली में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, उससे गुजरते हैं। जो भी एक्टिविटी हमने सीखी है, जब तक उसे हम खुद से करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें चीज़ें बेटर याद नहीं होती है। तो जब हम चीज़ें करके देखते हैं ना खुद से, तो हमें उसका 90% तक हमेशा अपने दिमाग में फिट रहता है, रिटेन रहता है और हमें याद रहता है। तो बस यही डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि ये बोलता है कि हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं और कब कितना परसेंटेज चीज़ों का याद रहता है। ये एडगर डेल ने दिया था 1960s के दौरान। बेसिकली एक लर्निंग पिरामिड है, एक मॉडल है, जो कि ये बताता है कि कैसे एक टीचर ने अपना इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन करना है, मतलब कैसे अपने को इंस्ट्रक्शंस देना है, या फिर बच्चे की लर्निंग कैसे होगी, बच्चे को कितना याद रहेगा कौन से स्टेप पे। तो बेसिकली ये चीज़ अगर टीचर ने समझनी है और उसके बेसिस पे अगर उसने अपना पूरा डिज़ाइन करना है ना, इंस्ट्रक्शन मॉडल डिज़ाइन करना है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस वजह से उनकी बहुत सारी थ्योरीज भी इस मॉडल के अंदर ली गई है। ठीक है, क्या बोलते हैं ये मॉडल, हम कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, उसको तब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहती है जब वो खुद से चीज़ें करके देखता है। लर्निंग बाय डूइंग इसके अंदर ज़्यादा मेन फोकस पे रखी गई है, और लर्निंग बाय डूइंग यानी कि जब हम चीज़ों को करके देख रहे हैं तब हम ज़्यादा सीख रहे हैं। तो इसको दैट मीन्स एक तरीके से हम लोग एक्शन में आ रहे हैं, है ना, तो इस वजह से इसको एक्शन लर्निंग भी बोला जाता है। और एक तरीके से हम लोग रियल लाइफ को एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बोला जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम एक कोन के अंदर नीचे आते जाएंगे ना, ये देखो एक कोन है पूरा, इसके अंदर जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे, वैसे वैसे अपनी लर्निंग बेटर होती रहेगी, वैसे वैसे अपने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते रहेंगे। जितने ज़्यादा सेंसेस अपने इन्वॉल्व होंगे, उतने बेटर तरीके से अपनी लर्निंग होगी, उतना बेटर अपने को याद रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जब हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर पाएंगे, है ना। अगर आप कोई चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो, चाहे वो वीडियो है चाहे वो ऑडियो है, इन दैट केस आप चीज़ों को फिर रियल लाइफ में अप्लाई कर सकोगे। दूसरे नंबर पे अगर आप आपको कोई चीज़ करके दिखानी है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है, तो वो भी आप कर सकोगे। उसके अलावा जब आप खुद किसी का रोल प्ले करते हो या फिर खुद आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरते हो, इन दैट केस जो लर्निंग आउटकम निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है। आप चीज़ें खुद से क्रिएट कर पाते हो, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, इवेल्युएट कर पाते हो, चीज़ों को खुद से डिज़ाइन कर पाते हो। तो ये पूरा डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा लंबा चला गया, 2 मिनट सीरीज है वैसे, थोड़ा लंबा चला गया, बट इट्स ओके। कैसा लगा हो आपको लेक्चर, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये कैसी लग रही है पूरी सीरीज ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।